नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय थोड़ी सी शांति है, कोरोना के केसेस कम हैं, इसलिए हमें उसकी जो एक डर है हमारा, थोड़ा वो लेवल कम हुआ हुआ है। हम आजकल बड़े आराम से बाहर घूम रहे हैं और तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़ करके इन दिनों लोग बाजार में घूम रहे हैं। लेकिन एक और सामने बहुत बड़ी चुनौती है, उत्तर प्रदेश में 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वो अगर बिना वैक्सीनेशन के होते हैं तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, जिसका अंदाज़ा सरकार को भी है और जो मेडिकल एजेंसीज हैं उनको भी है। चुनाव से पहले 100% वैक्सीनेशन सरकार के लिए एक इस समय सबसे बड़ी चुनौती इसीलिए बनी हुई है, क्योंकि उसे भी ये चिंता है कि अगर बिना वैक्सीनेशन के चुनाव होते हैं तो बहुत ज़्यादा केसेस आ सकते हैं, क्योंकि अभी पंचायत के जो चुनाव हुए हैं उनके जो नतीजे कोरोना वायरस के संक्रमण ने दिखाए हैं वो काफ़ी डरावने रहे। तो उसी से अंदाज लगाइए कि अगर यूपी में वैक्सीनेशन के बिना चुनाव होते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यूपी में करीब 14.66 करोड़ वोटर्स हैं और अब तक 5 महीनों में 15 जून तक 2.34 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगी है, और इस महीने ज़रूर रफ्तार बढ़ी है वैक्सीनेशन की। जून महीने में 1 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य है, और वैक्सीनेशन की रफ्तार को अगर यही आधार बनाए कि हर महीने 1 करोड़ डोज लगेंगे, इस हिसाब से भी बचे हुए जो 8 महीने हैं, बचे हुए हमारे सामने जो 8 महीने हैं उसमें केवल 8 करोड़ ही डोज लग पाएंगी, तब भी कुल वैक्सीनेशन 10.50 करोड़ डोज से ज़्यादा नहीं होगा। डबल डोज के दायरे में इससे आधे यानी कि 5.25 करोड़ ही होंगे, और इस बारे में जो पूर्व डीजी हेल्थ एसएन रिजवी हैं वो ये कहते हैं कि अगर अधूरे वैक्सीन के साथ चुनाव हुए तो एक बड़ी तबाही के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के बिना इस तरीके से बाजार खोल देना भी बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि पंचायत चुनाव ने एक बड़ा सबक दिया है। उत्तर प्रदेश में 15 से 29 अप्रैल तक 4 चरणों में पंचायत चुनाव हुए थे, और 4 अप्रैल तक यूपी में 6.30 लाख जो है चुनाव से इफेक्टेड लोग थे, ये आंकड़ा तब का है, और चुनाव के बाद ये आंकड़ा 14 लाख पार हो गया था, यानी कि महीने भर में ही 7.50 जो है संक्रमण के केस बढ़ गए थे। यूपी में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ करके 30,000 तक पहुंच गई थी, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितना डरावना आंकड़ा है। चुनाव में ड्यूटी करने वाले 2,000 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी कोरोना से बीमार होकर के अपनी जान गंवा चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो पिछले दिनों ये सवाल भी किया था कि कोरोना लंबे समय तक रहेगा, इस बारे में सरकार की क्या तैयारी है। यूपी के जो एसीएम हेल्थ हैं अमित मोहन, वो ये कहते हैं कि 14 जून तक हमने एक महीने में 1 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष में लगभग 51 लाख वैक्सीन की डोज दी है। इस माह के अंत तक यूपी तय लक्ष्य को हासिल कर सकता है। हम अगर आंकड़ों में ना भी जाएं, तो भी हमारे सामने वैक्सीनेशन की उपलब्धता जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले महीनों में कई बार वैक्सीन की रफ्तार इसलिए भी कम हुई क्योंकि वैक्सीन नहीं था, जो प्राइवेट सेक्टर था वहाँ भी वैक्सीन नहीं था, हॉस्पिटल्स में वैक्सीन नहीं था। जिस दिन यूथ को वैक्सीनेट करने की घोषणा की गई थी उस दिन लगभग 50 से भी ज़्यादा परसेंट सेंटर्स पे वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं थी, और पिछले महीनों में कई बार ये रफ्तार इसीलिए कम हुई क्योंकि वैक्सीनेशन
ही पर्याप्त मात्रा में हमारे पास नहीं था और वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या भी घट करके आधी रह गई थी इसी वजह से। हालांकि जून महीने में राज्य सरकार ने वैक्सीन की ड्राइव शुरू की है, इसमें वैक्सीनेशन की संख्या सेंटर जो है उनकी संख्या बढ़ाई है। ये संख्या लगभग 6,500 से भी ज़्यादा है और पोर्टल पे इसकी पूरी जानकारी अपलोड की गई है और इससे जुड़े हुए जो ऑफिसर्स हैं वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की कमी नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो सका और यूपी सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है, आगे चल के वो एग्जीक्यूट कैसे होता है ये देखने की बात है। यूपी में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए घर घर बुलावा पर्ची, यानी कि उनको एक टोकन दिया जाएगा फिर उनको बुलाया जाएगा, इस तरीके की एक योजना बनाई है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए नर्सिंग स्टूडेंट को ट्रेनिंग तक दी गई है। वजह यह है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के लिए सरकार के पास ट्रेंड स्टाफ भी नहीं है, 6,000 ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ है। इस इतने बड़े महाअभियान के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 18 साल से ऊपर के लोगों का मतदाता सूची में ब्यौरा जुटाया जाना है। आबादी में भौगोलिक लिहाज से भी कई गांवों का क्लस्टर जोन बनेगा। अभियान को शुरू करने से पहले 19 जून तक जागरूकता प्रसार अभियान चला और 21 जून से 30 जून तक का ट्रायल होगा, यानी कि ये इस समय ये ट्रायल चल रहा है। इसके परिणाम जानने के बाद ही टीकाकरण की गति जो है वो तेज हो पाएगी। इसके परिणाम क्या होते हैं उसके बाद ये इसके ऊपर तय किया जा सकता है कि क्या स्थिति उस समय बनेगी। और योगी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज की क्षमता अभी 3 गुना हो गई है। यहाँ पे 90,000 से ज़्यादा स्टोरेज क्षमता को बढ़ा करके 2 लाख लीटर किया गया है और गवर्नमेंट का ये दावा है कि 20 जून तक, यानी कि ये जो अभी 20 जून गया है तब तक 2 करोड़ और लगभग 67 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। तो अगर कुल मिला के अगर हम देखें और जो इस फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात अगर हम माने, तो अगर बिना वैक्सीन की परफेक्टली जो तैयारी जिसे बोलते हैं, बिना वैक्सीन के अगर इलेक्शन होते हैं, बिना वैक्सीनेशन के अगर इलेक्शन होते हैं, तो जैसा ग्राम पंचायत के चुनाव में हाल हुआ है वैसा ही हाल हो सकता है, बल्कि उससे भी बड़ी तबाही हो सकती है। तो अभी जो मार्केट खुले हैं उनको लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि बिना तैयारी के मार्केट खोल दिए गए हैं, ये भी गलत है। जब तक वैक्सीनेशन का ड्राइव पूरा नहीं हो जाता तब तक जो प्रॉपर मार्केट खुलने की बात है वो बेमानी है। तो दोस्तों ये थी वैक्सीनेशन और इलेक्शन से जुड़ी हुई बात। आप मेरे साथ बने रहिए और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें। जय हिंद, जय भारत।